नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिना टिकट पकड़े गए 125,000 से ज्यादा यात्री, रेलवे ने 8,16,00,000 का जुर्माना वसूला। जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडलों ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 8,16,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। सिर्फ एक महीने में रेलवे के तीनों मंडलों ने इतना राजस्व वसूल किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल ने सिर्फ एक माह में 8,16,00,000 रुपए के राजस्व वसूल किया है। रेलवे स्टाफ ने सितंबर माह में पैसेंजर ट्रेनों और स्टेशनों पर चेकिंग कर 1,34,000 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा है। सितंबर में पमरे के तीनों मंडलों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, कोटा और भोपाल मंडल में चेकिंग स्टाफ ने अभियान चलाकर बिना टिकट, अनबुक्ड लगेज, अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ 3,000 से अधिक प्रकरण से रेलवे ने 18,00,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। जबलपुर मंडल के टीटीई ने टिकट चेकिंग अभियान से बिना टिकट, अनबुक्ड लगेज, अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ लगभग 50,000 प्रकरण से रेलवे ने 3,26,00,000 रुपए का जुर्माना यात्रियों से वसूल किया है। भोपाल मंडल के टिकट निरीक्षकों ने टिकट जांच अभियान से बिना टिकट, अनबुक्ड लगेज, अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ 49,000 प्रकरण से रेलवे ने 2,83,00,000 रुपए का जुर्माना यात्रियों से वसूल किया है। कोटा मंडल द्वारा मंडल के टिकट निरीक्षकों ने टिकट जांच अभियान से बिना टिकट, अनबुक्ड लगेज, अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के विरुद्ध 32,000 से अधिक प्रकरण से रेलवे ने 01,89,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।